दोस्तों जी, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग इनक्यूबेटर। दोस्तों ये 30 अन्नों का एसी प्लस डीसी इनक्यूबेटर है। ये मोहम्मद शहजाद साहब हैं जो खैराबाद नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने हमारी वीडियो देखी, हमारा इनक्यूबेटर की क्वालिटी देखी, तो उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया। आज इनका हम इनक्यूबेटर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन वही होती हैं पहले की तरह। हम ऑटो इन्वर्टर लगाते हैं, ऑटोमेटिक बैटरी पर शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिक लाइट के ऊपर शिफ्ट होगा। अब ये इस वक्त चल रहा है जनाब ऑटोमेटिक लाइट के ऊपर। जैसे इसका बंद करूँगा अपना लाइट वाला बटन, तो ये छोटी सी LED इंडिकेटर देगी। इसका मतलब ये है कि जनाब लाइट चली गई, अब इनक्यूबेटर बैटरी पे चल रहा है। ये हमने खुद से लिथियम बैटरी बनाई है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करते हैं, साउंड सिस्टम के प्रोडक्ट भी बनाते हैं। किसी दोस्त को साउंड सिस्टम के रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, या कोई साउंड सिस्टम का कोई आपने एम्पलीफायर तैयार करवाना हो, एम्प तैयार करवाना हो साउंड सिस्टम की भी, इंशाल्लाह हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और पूरे पाकिस्तान में कार्गो अवेलेबल होती है, चाहे इनक्यूबेटर की हो, चाहे साउंड सिस्टम की हो। ये हमने एक एम्पलीफायर तैयार किया है, इसकी भी साउंड टेस्टिंग वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। तो बहरहाल ये हमने एक बैटरी बनाई हुई है, बैटरी इसके ऊपर चल रही है। क्योंकि टम्परेचर इस वक्त इसका कम्प्लीट है, इसलिए इसका बल्ब ऑन नहीं हो रहा। तो ये अंदर का सीन जो है, ये वही सिंपल जो ट्रे होती है, ये मैनुअल इनक्यूबेटर है। और इसके अलावा क्या बात है, हाँ साइज़ जो है पैर भाई इसका 13x13 और 14 इंचज है। इस तरह भी 13 है, बैक फ्रंट 13, और जो ऊँचा है ऊंचाई जिसको कहते हैं वो भी 13 इंच है। ये हमारा नंबर है, इस पर आप रबता करके इनक्यूबेटर का ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ कैपेसिटी के मुख्तलिफ इनक्यूबेटर हम तैयार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।